ये कहानी है ब्रूनो नाम के एक 8 साल के बच्चे की, जो अपने फैमिली के साथ जर्मन के बर्लिन शहर में रहता था। ये वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब जर्मन के बर्लिन शहर में ज्यूस लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जा रहा था। लेकिन ब्रूनो के जिंदगी में इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्रूनो के पापा एक नाजी ऑफिसर थे। एक दिन स्कूल से घर लौटकर ब्रूनो सुनता है उसके पापा का प्रमोशन हो गया है और अब उन सबको कंट्रीसाइड अपने नए घर में जाना पड़ेगा, और इसीलिए घर पे एक पार्टी रखी गई है। कंट्रीसाइड जाने के बारे में सुनकर ब्रूनो उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपना ये घर बहुत पसंद है और वो अपने दोस्तों को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पार्टी के अगले दिन ब्रूनो फैमिली के साथ कंट्रीसाइड अपने नए घर में चला जाता है। उनका नया घर बहुत बड़ा और सुंदर होता है। घर देखकर ब्रूनो की मम्मी और बड़ी बहन बहुत खुश हो जाती है, पर ब्रूनो को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपने पुराने घर और दोस्तों की बहुत याद आती है। ब्रूनो अपने कमरे के खिड़की से दूर एक फार्म में कुछ बच्चों को देखता है। ब्रूनो अपने मम्मी से कहता है वो उन बच्चों के साथ खेलना चाहता है। उसकी मम्मी कहती है उन्होंने कोई बच्चा नहीं देखा। तब ब्रूनो उन्हें फार्म के बारे में बताते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है सब्जी रखने के लिए। ब्रूनो देखता है वो आदमी अपने कपड़ों के नीचे पजामा पहना हुआ है। खिड़की से देखा हुआ फार्म के बच्चों ने भी ऐसा ही पजामा पहना हुआ था, और ये बात ब्रूनो को बहुत अजीब लगता है। लेकिन ब्रूनो की मम्मी को सब समझ आता है। दरअसल ये कोई फार्म नहीं बल्कि कंसंट्रेशन कैंप होता है, जहां पर ज्यूस लोगों को रखा जाता है, और वो आदमी भी एक ज्यूस कैदी होता है। ब्रूनो की मम्मी इस बात को लेकर उसके पापा के ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कंसंट्रेशन कैंप उनके घर से बहुत दूर होगा। दरअसल कैंप दूर तो होता है, पर खिड़की से दिखता है ये बात ब्रूनो के पापा को पता नहीं होता है। उसके बाद ब्रूनो के कमरे की खिड़की बंद करवाया दिया जाता है। एक दिन ब्रूनो को अपने घर के पीछे एक दरवाजा दिखता है, और वो जब वहां से निकलने वाला होता है उसकी मम्मी देख लेती है और उसे जाने नहीं देती। ब्रूनो को झूला झूलने के लिए टायर और रस्सी चाहिए होता है, इसीलिए वो उस ज्यूस कैदी जिससे ब्रूनो ने किचन में देखा था उसके साथ घर के पीछे स्टोर रूम में जाता है, और उस स्टोर रूम में उसे एक छोटी सी खिड़की दिखती है। झूला झूलने के वक्त ब्रूनो गिर जाता है और उसे चोट लगती है। वो ज्यूस कैदी ब्रूनो को पट्टी बांध देता है और कहता है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ब्रूनो को पता चलता है वो आदमी एक डॉक्टर था और उसका नाम पेवल है। तभी वहां पर ब्रूनो की मम्मी आ जाती है और सब कुछ सुनकर पेवल को थैंक यू कहती है। ब्रूनो के पापा उसके और उसकी बड़ी बहन के लिए एक टीचर रखते हैं। वो टीचर उन्हें नाजियों के बारे में पढ़ाते हैं, जो ब्रूनो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन मौका देखकर ब्रूनो स्टोर रूम के खिड़की से बाहर निकल जाता है और चलते चलते वो उस कंसंट्रेशन कैंप तक पहुंच जाता है, जिसे वो फार्म समझता है। वो देखता है कि वो जगह बहुत ऊंचे तारों से घिरा हुआ है और वहां पर एक छोटा बच्चा बैठा होता है। उसने भी स्ट्रिप वाले पजामा पहना हुआ है। वो बच्चा ब्रूनो को देखकर डर जाता है। ब्रूनो देखता है उसके कपड़ों में एक नंबर है। उसे लगता है ये कोई गेम खेल रहे हैं। ब्रूनो उससे बात करता है। उस बच्चे का नाम शमूल होता है। शमूल ब्रूनो से पूछता है उसके पास कुछ खाने के लिए है क्या, पर ब्रूनो के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है। अगले दिन ब्रूनो फिर से वहां जाता है एक चॉकलेट और अपनी फुटबॉल लेकर, पर उस दिन शमूल वहां पर नहीं आता है। दूसरे दिन ब्रूनो फिर से वहां आता है और शमूल से मिलता है। वो उसे पूछता है उसने ये स्ट्रिप वाले कपड़े क्यों पहने हैं। शमूल कहता है सोल्जर्स ने उनके सारे कपड़े लेकर बदले में उन्हें ये पजामा दिया है। उसे सोल्जर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रूनो कहता है उसके पापा भी एक सोल्जर है, पर वो अच्छे है। ब्रूनो यहाँ शमूल के लिए खाना भी लेकर आता था। ब्रूनो की मम्मी को एक दिन काला धुआं दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है
पास के कंसंट्रेशन कैंप से ये धुआं आ रहा है। दरअसल जो ज्यूस कैदी काम नहीं कर पाते हैं उन्हें मार दिया जाता है और उनके बॉडीज को जलाने के वक्त ये धुआं होता है। शाम को ब्रूनो के दादाजी डिनर पे आते हैं, वहाँ पर पेवेल के हाथ से वाइन का ग्लास गिर जाता है, इसीलिए उसे बहुत मारा जाता है। ये देखकर ब्रूनो और उसके मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात को ब्रूनो की बहन उसे कहती है वो जिसे फार्म समझता है दरअसल वो एक कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ पर बुरे लोगों को कैद करके रखा जाता है। एक दिन ब्रूनो देखता है शमूल उसके घर पे काम कर रहा होता है। ब्रूनो उसे देखकर हैरान हो जाता है, उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शमूल कहता है कांच के ग्लास साफ करने के लिए उन्हें एक छोटा बच्चा चाहिए था, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। ब्रूनो उसे कुछ खाने के लिए देता है और वहाँ पर तभी एक सोल्जर आ जाता है और शमूल से पूछता है उसने खाना चुराया है कि नहीं। शमूल बोलता है ब्रूनो उसका दोस्त है और उसने उसे ये खाना दिया है, पर ब्रूनो डर जाता है और झूठ बोलता है कि वो शमूल को नहीं जानता और वहाँ से चला जाता है, पर उसे बहुत बुरा लगता है। वो जब वापस आता है तो शमूल वहाँ पर नहीं होता है। ब्रूनो शमूल से मिलने कैंप जाता है पर वो वहाँ पर भी नहीं मिलता है। उसी दिन ब्रूनो के घर पे कुछ सोल्जर्स आते हैं और ज्यूस के कंसंट्रेशन कैंप की एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। ब्रूनो भी चुपके से वो देखता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कैंप में सब बहुत खुश है और ब्रूनो को लगता है कंसंट्रेशन कैंप एक अच्छी जगह है। असल में ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया को दिखाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप की सच्चाई कुछ और है। कुछ दिनों तक ब्रूनो को शमूल जहाँ पर मिलता था वहाँ पर नहीं दिखता है, लेकिन एक दिन ब्रूनो को शमूल उसी जगह बैठा हुआ दिखता है और शमूल की आंखों पर एक गहरी चोट होती है। ब्रूनो उसे माफ़ी मांगता है, शमूल भी उसे माफ़ कर देता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शमूल ब्रूनो के साथ खेलकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ ब्रूनो की मम्मी नहीं चाहती उनके बच्चों की परवरिश ऐसे माहौल में हो जहाँ मासूम लोगों को मारा जाता है। ब्रूनो के पापा तय करते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से दूर भेज देंगे। ये बात सुनकर ब्रूनो बहुत उदास होता है और वो शमूल को ये बात बताने के लिए जाता है कि वो लोग कल लंच के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बात सुनकर शमूल भी बहुत उदास हो जाता है। शमूल कहता है उसके पापा नहीं मिल रहे हैं। ब्रूनो कहता है वो उसके पापा को ढूंढने में मदद करेगा। ब्रूनो के हाथ में एक स्टिक होता है और वो उस स्टिक को मिट्टी में मारता है और वहाँ से मिट्टी उड़ती है। इसे देखकर ब्रूनो को आइडिया आता है कि वो मिट्टी खोदकर तारों के उस तरफ जा सकता है। ब्रूनो शमूल को कहता है कल वो वैसे ही स्ट्रिप पजामा लेकर आए ताकि वो शमूल और कैम्प के बाकी लोगों की तरह दिखे। अगले दिन ब्रूनो वहाँ पर आता है और शमूल उसके लिए स्ट्रिप वाले कपड़े और कैप लेके आता है। गड्ढा खोदकर ब्रूनो कैंप के अंदर घुसता है। असल में ब्रूनो के लिए ये सब एक गेम होता है जहाँ पर शमूल के पापा को ढूंढना एक मिशन है, पर कैंप के अंदर जाकर ब्रूनो को कैंप का माहौल ठीक नहीं लगता और वो कहता है उसे अब वापस जाना चाहिए, पर शमूल कहता है उसके पापा को ढूंढने का क्या होगा। ब्रूनो उसके साथ कैंप के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और वहाँ पर जितने ज्यूस होते हैं सबको वहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ घर पे ब्रूनो की मम्मी को पता चल जाता है कि ब्रूनो घर पे नहीं है। कुत्तों के मदद से पता चलता है कि ब्रूनो कहाँ गया होगा। उसके बाद ब्रूनो की मम्मी पापा और सारे सोल्जर्स कंसंट्रेशन कैंप जाने वाले रास्ते से जाते हैं। उधर कैंप में ब्रूनो शमूल और सभी ज्यूस को एक बड़े हॉल में ले जाके उनसे कहा जाता है कि उन सबको शावर दिया जाएगा, इसीलिए सबको अपने कपड़े उतारना पड़ेगा और हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। दरअसल वो एक गैस चेंबर होता है और ऊपर से जहरीला गैस छोड़ा जाता है। ब्रूनो के पापा वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ब्रूनो ने अपने कपड़े उतार के रखा था। ब्रूनो के पापा कैंप के अंदर जाके ब्रूनो को जोर जोर से पुकारते हैं, पर कैंप का माहौल देखकर उन्हें समझ आता है ब्रूनो को बाकी ज्यूस के साथ ले जाया गया है। ब्रूनो की मम्मी भी कैंप के बाहर पहुँच जाती है
और कैंप के बाहर से ब्रूनो के पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो चुका है और ब्रूनो की मम्मी उसके कपड़ों को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। और दूसरी तरफ गैस चेंबर के बाहर सन्नाटा छाया होता है और बाहर बहुत सारे स्ट्रिप पजामास पड़े होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।